आज हम बनाने वाले हैं चिकन विथ व्हाइट ग्रेवी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है, इसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो मैंने इसमें 1 चम्मच करीब नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो ये मैंने 2 छोटा चम्मच दही डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आधे घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो अब हम इसमें 5 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहे तो इसे घी में या बटर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बे लीफ, 1 सिनेमन स्टिक, 4 लौंग और 4 इलायची इसमें डाल देंगे। तो इलायची को हम ऐसे खोल कर डालेंगे। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे तेल में, ताकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है तेल में अच्छे तरह से आ जाए। तो ये देखिए, ये काफी अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो ये मैंने 2 प्याज लिया है और इसे अच्छे तरह से मैंने ग्राइंडर में चला लिया है और हम इसे तो हम प्याज को ज्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसे 2-3 मिनट के लिए सौते कर देंगे। इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है उसे डाल देंगे। और इसे ऐसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहे तो इसे बोन्स के साथ भी डाल सकते हैं। हम इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला था मैरिनेट के टाइम पे, तो दही से काफी पानी रिलीज होता है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर करीब 10-15 मिनट तक पका लेंगे, पर हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और जले नहीं। तो जब तक कि हमारा चिकन पकता है, तब तक हम काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने 2 मिर्च लिया है, आप चाहे तो ज्यादा भी मिर्च ले सकते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और काजू मैंने 6-7 पीसेस लिया है। इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे एकदम स्मूथ। तो ये देखिए काजू और मिर्च अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास काजू अवेलेबल ना हो या फिर अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। काजू हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा मीठा लगे। तो बीच में हम इसे एक बार खोल कर चला लेंगे। तो ये देखिए दही से पानी छूटना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हम और 10 मिनट तक इसे ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चिकन जो है हमारा 60% पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था काजू और मिर्च का, इसे हम डाल देंगे और करीब 1/2 चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक आप बिल्कुल कम डालें क्योंकि हमने मैरिनेट करने के टाइम 1 चम्मच नमक डाला था। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे वापस 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे एकदम लो फ्लेम में। तो दोस्तों, हमने इसे 20 मिनट तक ढककर पका लिया है। तो ये अब अच्छे तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें 2 मिर्च ऐसे डाल देंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी तरह से चिकन पक चुका है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो व्हाइट चिकन है बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चिकन है बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ये व्हाइट चिकन है बिल्कुल बनके तैयार है।
तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको कोई दूसरी रेसिपीज चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।